सुंदरबन जंगल के पास में एक विशाल नदी था। और उस नदी के पास एक जंगल में रहती थी छोटू टूनी। छोटू टूनी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो बहुत गर्व करती थी। एक दिन टूनी के पति टूनी को बुला के कहता है, टूनी मैं काम पे जाऊंगा, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो। ये सुन के टूनी कहती है, बाहर जो गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं पका सकती। अगर मैं खाना पकाऊंगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगी। ये सब क्या बोल रहे हो टूनी? तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए तुम खाना नहीं बनाओगी। तो मैं क्या खाऊंगा? और खाना ना खाके मैं काम कैसे करूंगा? रहने दो, तुम ऐसा क्या काम करते हो मुझे पता है। क्या देख के मेरी पिता माता तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दिया है पता नहीं। सुनो, मैं खाना नहीं बना सकती, तुम बाहर खा लेना, समझे? ये कह के टूनी वहाँ से चली जाती है और टोना भी उदास होके काम पे चला जाता है। काम पे जाने की बात ही टोना का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में टोना का एक पंख जख्मी हो जाता है। तब कालू कौवा टोना को हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में टोना को ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है। फिर टोना टूनी को सब बताता है। सब सुन के टूनी कहती है, ये सब क्या कह रहे हो टोना? अब तुम काम कैसे करोगे? फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? और मैं इतनी खूबसूरत, और तुम्हारा चेहरा एक बार देखो, जंगल के सभी पंछियां तो अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मेरा पति अक्षम है, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कह के टूनी वहां से चली जाती है। एक दिन टोना के पास कालू कौवा आता है और टोना को कहता है, दोस्त तुम्हारा ये हालत देख के सच में बहुत दुख हो रहा है। हाँ दोस्त, मैं सच में बहुत मुसीबत में हूँ, क्या पता भगवान कब मुझे ये मुसीबत से बचाएंगे। दोस्त मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम इस मुसीबत से जल्दी निकल पाओ। सुनो दोस्त, जंगल के पीछे एक पुराने घर के पास में रहता है एक जादूकर ईगल। वो जादू करके बहुत पंछियों का बहुत भला किया है। एक बार वहाँ जाओ उस जादूकर ईगल के पास और तुम्हारा ये मुसीबत के बारे में बताओ, वो जरूर कुछ करेंगे। अच्छा दोस्त, मैं आज ही उस जादूकर ईगल के पास जाऊंगा। इसके बाद टोना उस जादूकर ईगल के पास जाता है। फिर उस जादूकर ईगल को सारी बात बताते हैं। सब सुन के जादूकर ईगल टोना के पास में जाता है और जादू करके टोना का पंख ठीक कर देता है और टोना को एक जादुई मटका देता है। सुन, ये है एक जादुई मटका, इस मटका से जो खाना मांगेगा ये मटका वो खाना ही देगा। फिर टोना वो मटका लेके टूनी के पास आता है और टूनी
टूना को उड़ते हुए देख के कहती है, ये क्या टूना, तुम्हारा तो एक पंख खराब हो गया था, तो तुम कैसे? अरे टूनी, मैं तुम्हें सब कहता हूँ। सुनो, जंगल के पीछे एक पुराने घर के पास एक जादूगर ईगल रहता है। मैं उसके पास गया था, वो जादू करके मेरा पंख ठीक करके दिया है। और तुम्हारे साथ ये मटका कैसा? ये है एक जादुई मटका। इस मटका से जो खाना मांगेंगे वो ही खाना मिलेगा। ये क्या कह रही हो टोना, ये भी होता है? हाँ टोनी, तुम एक बार परीक्षा करके ही देखो। ये कह के टूनी जो खाना मांगती है वो ही खाना सामने आ जाता है। ये देख के टूनी हैरान हो जाती है। इसके बाद से टूनी टोना के साथ खराब हरकत नहीं करती थी, बल्कि टोना का ज्यादा देखभाल करती थी। ऐसे ही टूनी और टोना खुशी खुशी दिन बिताने लगे।